दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एस ए यू वर्सेज बी ए एच के दरमियान में जो नेक्स्ट मुकाबला होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों एस ए यू और बी ए एच की टीम ने अभी तक इस सीरीज के जो मैचेस खेले हैं, एस ए यू की टीम ने 3 मैचेस कंप्लीट खेल चुके हैं इस सीरीज के। दोस्तों इसमें कौन से खिलाड़ी लगातार ओपन कर रहे हैं, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे, दोस्तों जितने भी प्लेयर्स है सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से बॉलर यहां पे आपको कंप्लीट 4 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, कौन से बॉलर आपको यहां पे 2 से 3 ओवर तक बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों कैप्टेंसी के लिए किसको लेना सही रहेगा, वाइस कैप्टेंसी के लिए किसे आप ट्राई कर सकते हैं, सारे खिलाड़ियों का बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम तैयार करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि इस मैच से रिलेटेड आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाए और आप एक शानदार टीम तैयार कर पाओ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों इस पर आप क्लिक कर दे, फिर यहाँ पे जो बेल आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना। देखो इससे क्या होगा ना कि अगला वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। दोस्तों अगर स्टेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और सबसे जरूरी बात है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। देखो दोस्तों यहां पे ना आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे दोस्तों यहां पे आप क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने आ जाएगा। इस ग्रुप में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो करीब यहां पे 37,000 से भी अधिक यूजर ने ज्वाइन कर लिया है, तो जल्दी से आप लोग भी कर लो क्योंकि देखो मैं ना अभी इस वीडियो के अंदर सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर के साथ स्टेट दूंगा। बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किसको आप यहां पे कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं और लास्ट में एक टीम तैयार करेंगे जो ऑलमोस्ट फाइनल टीम रहेगा, लेकिन उस टीम में अगर एक भी चेंजेस होते हैं लाइन अप आने के बाद तो वही टीम अपडेट कर दिया जाता है इस ग्रुप में। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स वाला कमेंट में मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टेट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे मैच वेन्यू से। देखो ये जो मुकाबला होगा ना ये वेस्ट इंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा दोस्तों, और यहाँ का अगर आप पिच देखोगे क्लियर इसका है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी बारिश होने के चांस नहीं है इस ग्राउंड पे। बाकी यहाँ पे अगर पिच देखा जाए तो बॉलिंग पिच रहा है दोस्तों, पेसर्स को काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैं आगे आपको काफी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। बाकी एक एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा जाए तो 130 के आसपास फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी टीम कंपेरिजन की बात करेंगे 3-3 मैचेस दोनों ही टीम ने खेले हैं। पहला मुकाबला देखोगे तो एस ए यू के टीम ने लॉस किया था, बाकी के दोनों मैच में यहां पे विन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्यूआईटी की टीम ने दोस्तों पहला मैच भी विन करा है, दूसरे मैच में लॉस किया और लास्ट मैच में विन करते हुए आ रहे हैं। दोनों ही टीम बराबरी मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों ही टीम यहां पे काफी स्ट्रांग टीम है दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं कि एसएयू की टीम ने कौन से खिलाड़ी ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं तीनों मैच में यहां पे ओपन करा है। देखो फैजल खान जो कि टीम के ओपन करते हुए दिखेंगे दोस्तों, ये टीम के ना ओपनर बल्लेबाज है। पहले मैच में अगर आप देखोगे 41 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाले हैं, 23 रन खर्च किए थे पूरे 2 ओवर की गेंदबाजी में। दूसरे मैच में 37 रन बनाए हैं, फिर यहां पे 42 रन बड़ा पारी खेलते भी दिखे हैं। एक चीज अगर आप यहां पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि 2 मैच में ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं लास्ट के 2 मैच में। जी हां दोस्तों ये जो है ना ये ओपन तो कर रहे हैं, टीम के बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, तीनों मैच में काफी बढ़िया स्कोर करा है इन्होंने बल्लेबाजी से, गेंदबाजी आपको करते हुए नहीं दिखेंगे, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। गेंदबाजी आपको कम से कम अगर करते ही है तो 1 ओवर या 2 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन हां याद रखना एज ए ओपनर बल्लेबाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सजित चिमा की बात करेंगे, ये टीम के ओपनर बल्लेबाज है दोस्तों, पहले मैच में देखोगे तो बैटिंग से फ्लॉप रहते, फिर 52 का बड़ा पारी खेला है और लास्ट मैच 19 रन बनाए, ये टीम के ओपन करते हुए दिखेंगे, इनको भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं जो बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है। बाकी अब्दुल जफर की बात करेंगे, ये टीम के कैप्टन है दोस्तों, फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच में 33 रन बनाए थे, फिर यहां पे 16 रन, फिर यहां पे 18 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं, ये टीम का फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी करेंगे। स्टार्टिंग के जो 3 खिलाड़ी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और उतने ही जितना इंपॉर्टेंट रहेंगे तो जितना भी यहां पे तीनों आप खिलाड़ी देख रहे हैं दोस्तों। यहां पे इमरान अरीफ जो कि बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, टीम का सेकंड राउंड का बल्लेबाज है, पहले मैच 22 रन बना के 1 विकेट, फिर 8 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं, फिर 1 रन बना के 1 विकेट निकाले, आपको 4 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे दोस्तों। टीम का सेकंड राउंड का बल्लेबाज है, बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, तो इनको आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, जो ज्यादा लेट नहीं बैटिंग करेंगे सेकंड राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी अब्दुल वहीद की बात करेंगे, टीम का 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, पहले मैच में अगर आप देखोगे बैटिंग से फ्लॉप रहते, बॉलिंग से 1 विकेट निकाले, फिर 10 रन बना के 2 विकेट निकाले, फिर 8 रन बना के 1 विकेट निकाले दोस्तों, ये आपको 3 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए
दिख जाएंगे, टीम का थर्ड राउंड का बल्लेबाज है दोस्तों, बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा चॉइस रहेगा, आप ले सकते हैं। इनको ड्रॉप करेंगे, इनका स्टेट्स कुछ खास रहा नहीं है। इमरान यूसुफ की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते तीन ओवर तक यहाँ पे गेंदबाजी करा है, पहले मैच में एक विकेट, दूसरे मैच में फ्लॉप रहा है, फिर एक विकेट इन्होंने निकाले हैं, ये आपको तीन ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, किसी किसी मैच में चार ओवर भी बॉलिंग कर रहे हैं। अमीर सजाद को ड्रॉप करेंगे, इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं है। अहमद की बात करेंगे तो पहले मैच में एक विकेट निकाले हैं, फिर एक विकेट चटकाए हैं दोस्तों, ये आपको कंप्लीट चार ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, आप एज ए यहाँ पे बॉलर ले सकते हैं जो कंप्लीट चार ओवर तक आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। बाकी जियानुल की बात करेंगे दोस्तों, टीम के पहले मैच में एक विकेट निकाले हैं, फिर दो रन बना के दो विकेट निकाले हैं, फिर फ्लॉप रहे थे, ये आपको चार ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे दोस्तों। टीम के ये भी काफी बढ़िया गेंदबाज है, कंप्लीट ओवर बॉलिंग करेंगे, ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद सैफ जो कि पहले मैच में फ्लॉप रहा है, दूसरे मैच में 20 रन बनाए जिसमें कोई विकेट नहीं मिला, आपको एक ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। उस्मान की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो मैच खेले, पहले मैच में 14 रन, दूसरे मैच में 8 रन बनाए, इनको ड्रॉप करते हुए चलेंगे, इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं है। तो ये था यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दोस्तों एसएयू का स्टेट, जो कि अभी तक इस सीरीज के इस टीम ने 3 मैचेस खेले थे। सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर याद रखना आपको यही देखने को मिलेगा इस मैच में भी। लेकिन सेकंड टीम की बात करेंगे बीएएच के टीम के बारे में, इस टीम ने भी 2 मैच यहाँ पे विन करे थे और 1 मैच लॉस करते हुए आए थे, मैंने आपको पहले कहा था, देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड मैच यहाँ पे लॉस किए थे और पहला यहाँ पे लास्ट मैच की बात करेंगे तो विन करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो ओपन करते हुए देखेंगे यहाँ पे सरफराज अली जो कि टीम के बहुत सुपर बल्लेबाज है, टीम के ओपन करेंगे, पहले मैच में 42 रन का बड़ा पारी खेला था, बॉलिंग से फ्लॉप रहे, फिर यहाँ पे 28 रन बनाए थे, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर यहाँ पे 22 रन बना के एक विकेट निकाले, आपको 3 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए देखेंगे दोस्तों। टीम के ओपनर बल्लेबाज है, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, कैप्टनसी के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए रहेगा, तो इनको ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद की बात करेंगे, टीम की ये भी ओपन कर रहे हैं, पहले मैच में 82 रन बनाए, फिर 13 रन, फिर 31 रन का बड़ा पारी खेला, ये भी टीम के ओपन करते हुए दिखेंगे, इनको भी अपने में ट्राई कर सकते हैं, दोनों के दोनों टीम के टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। बाकी जुनैद अजीज की बात करेंगे, टीम का फर्स्ट रन का बल्लेबाज है, पहले मैच में 7 रन, फिर यहां पे 2 रन बना के 1 विकेट निकाले, 1 रन बना के 2 विकेट चटकाए, फिर यहां पे फ्लॉप रहा था, ये 1 ओवर तक गेंदबाजी करेंगे। अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों कि आपको यहां पे बॉलिंग कम से कम ही करते हुए दिखेंगे, बाकी बल्लेबाजी से भी कुछ खास अभी तक बड़ा स्कोर देखने को इनके बल्ले से नहीं मिला है। बाकी हैदर अली भट्ट की बात करेंगे, ये ना 2 मैच खेले हैं, पहले मैच में 1 रन, दूसरे मैच में 4 रन बनाए, इनको फिलहाल ड्रॉप करेंगे क्योंकि इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो इस सीरीज में कुछ खास रहा नहीं। बाकी बात करें पे खान के बारे में, जो टीम के कैप्टन है दोस्तों, यहां पे नसीम खान जो कि टीम के बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, उतने ही अच्छे आपको यहां पे गेंदबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे, पहले मैच में 14 रन खर्च किए थे पूरे 3 ओवर की गेंदबाजी में और 1 विकेट निकाले हैं, फिर 13 रन बना के 1 विकेट निकाले, 28 रन खर्च किए थे, फिर यहां पे 23 रन बना के 3 विकेट चटकाए, ये जो खिलाड़ी है ना, ये टीम के दोस्तों बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, टीम के कैप्टन भी है, तो आप इनको बिल्कुल मिस नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सुपर ऑप्शन रहने वाले हैं, तो भाइयों इनको अपने टीम में जरूर लेना। बाकी बात कर साथियों के बारे में दोस्तों, टीम के पहले मैच में दोस्तों यहां पे 2 विकेट निकाले, फिर 22 रन बना के 1 विकेट चटकाए दोस्तों, फिर 16 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं, ये आपको 4 ओवर तक कंप्लीट गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, इनको अपने टीम में जरूर पिक करना, जो बैटिंग के साथ साथ ये भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। ये जो 2 खिलाड़ी है ना, टीम के जान है, आप समझ लो, बहुत ही सुपर बैटिंग ऑर्डर भी इनका देखोगे तो मिडल ऑर्डर पे है और गेंदबाजी से बहुत अच्छे खासे पॉइंट दिया अभी तक इस टीम के इस खिलाड़ी ने, देख सकते हैं यहाँ पे 5 विकेट अभी तक 3 मैच में निकाले हैं, और इस खिलाड़ी की बात करेंगे इन्होंने भी 5 विकेट निकाले हैं, देख सकते हैं बहुत ही सुपर गेंदबाज है। अब्दुल मजीद की बात करेंगे तो पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में फ्लॉप रहा है, आपको 4 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे दोस्तों। यहां पे अहमदुद्दीन की बात करेंगे तो पहले मैच में फ्लॉप रहा है, दूसरे मैच में भी फ्लॉप रहे हैं। वहीं अगर बात करें वसीक अहमद के बारे में, पहले मैच में फ्लॉप रहा है, दूसरे मैच में 3 विकेट निकाले दोस्तों, ये आपको 2 ओवर तक कंप्लीट गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। इमरान अनवर की बात करेंगे तो पहले मैच में फ्लॉप रहा है, फिर 10 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला, लास्ट मैच भी फ्लॉप रहा है, ये आपको 4 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, इनको ना फिलहाल ड्रॉप करते हुए चलेंगे। देख सकते हैं कोई भी विकेट इनको नहीं मिला है 4 ओवर की गेंदबाजी में, लेकिन एक चीज याद रखना कि गेंदबाजी 4 ओवर करेंगे तो जितना चांस यहाँ पे इनके लिए है दोस्तों यहाँ पे विकेट लेना, उतना चांस इनका भी है। देखो गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन है, इकोनॉमी बहुत ही शानदार रहता है, 4 ओवर में 1 मैच में 7 रन खर्च किए थे, दूसरे मैच में यहाँ पे 19 रन खर्च किए थे, यानी गेंदबाजी तो बहुत ही सुपर करेंगे, बायलक इनको विकेट नहीं मिला हो, लेकिन याद रखना विकेट मिलने के भी चांसेस रहेगा, ये बात आप मेरा याद रखना दोस्तों। बाकी इमरान इनको ड्रॉप करेंगे क्योंकि अभी एक ही मैच खेला है, थर्ड राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए हैं, फियाज अहमद को ड्रॉप करते हुए चलेंगे, इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं है। तो ये है जानकारी इस मैच से रिलेटेड सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर के साथ, यहाँ पे स्टेट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिच रिपोर्ट भी देखने को मिला, किसको सपोर्ट मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। उम्मीद करते हैं काफी कुछ जानकारी मिला होगा इस मैच से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर। तो भाइयों एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी सपोर्ट करता है, तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बाकी चलिए दोस्तों हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को शुरू से देखा होगा, क्योंकि जिस प्रकार का स्टेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग से दिया है, पूरी क्लियर स्टेट्स मैंने आपको बताया है, दोनों ही टीम ने तीन तीन मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रहा, बैटिंग ऑर्डर के साथ सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो के अंदर दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपने पूरी स्टेट्स अपने नॉलेज में रखा होगा, फिर आप यहां तक पहुंचे हैं, तभी आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगा और लास्ट में आपको अपना रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों आई बट को ट्राई करेंगे जो टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा टीम के बहुत ही शानदार प्लेयर है, और बीएच के टीम की तरफ से अगर विकेट कीपिंग में देखोगे ना, इनसे बेटर आपको यहां पे खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेगा। तो इनको ट्राई करेंगे, खास करके जो हेड टू हेड के प्लेयर हैं, जो स्मॉल लीग के टीम के प्लेयर हैं, दोस्तों इनको अपने टीम में जरूर पिक करना। बाकी दोस्तों बैटिंग की बात करेंगे ना, तो मैंने तीन इंपॉर्टेंट बैट्समैन को अपने टीम में ले रखा है। एस इमरान टीम के टॉप पे बल्लेबाजी करेंगे, बैटिंग ऑर्डर आपको पता होगा हमसे ज्यादा बेटर आप जान रहे, क्योंकि स्टेट्स मैंने आपको पूरी क्लीन तरीके से बताया। देखो आपने भी देखा है, मैंने भी आपको बताया, दोस्तों यहां पे बहुत ही सुपर बल्लेबाज है और अच्छे खेल रहे हैं एसएयू की टीम के तरफ से। दोस्तों ए वहीद को ट्राई करेंगे, ये एसएयू की टीम के तरफ से बेटर रहने वाला है, ये भी बहुत ही सेफ खिलाड़ी है। दोस्तों बाकी मैं यहां पे एम यूनिस को ट्राई करना, जो कि बहुत ही सुपर बल्लेबाज है बीएच की टीम के तरफ से, ये भी अभी तक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए हैं, अभी तक इस सीरीज के खेले गए तीन मैचेस में काफी बढ़िया इन्होंने खेला है। दोस्तों तो बैटिंग में देखो ये तीनों का तीनों ने सबसे बेस्ट रहेंगे, याद रखना इन तीनों को आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। दोस्तों बाकी हां अगर बात करेंगे ऑलराउंडर के बारे में, तो यहां पे एक कॉम्बिनेशन अगर आप चाहे तो अपने तरफ से कर सकते हैं। देखो एफ खान तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट रहेगा, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट दे रहे हैं। दोस्तों वाइस कैप्टनसी के लिए ये सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे, कि जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों यहां पे आईआरएफ की बात करेंगे, ये भी टीम के टॉप पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाकी देखो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो अगर आप इनको लेना चाहते हैं ना ए वहीद को, तो याद रखना जो जीएल की टीम क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा हट के टीम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में लेना। अदरवाइज जो स्मॉल लीग की टीम के प्लेयर है दोस्तों, ये तीनों के यहां पे चारों के चारों बेस्ट रहेगा। बाकी जी अजीज भी जो यहां पे जीएल के मिनी जीएल के जो प्लेयर है दोस्तों, आप इनको ले सकते हैं। बाकी बात करेंगे दोस्तों बॉलिंग के बारे में, तो मैंने तीन इंपॉर्टेंट बॉलर को ले रखा है। आईएमएच की बात करेंगे तो एसएयू के टीम की तरफ से पूरे कंप्लीट आपको चार ओवर तक गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। ए खान टीम के मेन गेंदबाज, इनको अपने टीम में ट्राई करेंगे दोस्तों। और यहां पर अगर आप देखोगे जियाउल अडमिन को मैं ट्राई करूंगा, जो टीम के ये भी काफी बढ़िया गेंदबाज है। बाकी अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी कैप्टनसी के लिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जो सबसे बेहतरीन रहने वाले हैं कैप्टनसी के लिए दोस्तों, ये सबसे बेस्ट रहेंगे, इनको ट्राई कर सकते हैं। और बाकी वाइस कैप्टनसी के लिए देखो काफी लोगों ने यहाँ पे इनको ट्राई किया हुआ है, जो कंटिन्यू विकेट निकाल रहे हैं। देखो सेफ अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनके साथ जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप हमें कमेंट करते हो कि सर थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे टीम बनाओ, जो थोड़ा सा अलग रहे और थोड़ा सा मजा भी आए, देखो ऐसा स्थिति में अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन याद रखना टीम के सेकंड राउंड का प्लेयर है, मुझे ये दोस्तों ये ज्यादा फेवरेट लग रहा है, तो मैं इनको अपने टीम में ट्राई करूंगा। बाकी अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो इनको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इस टीम को फिलहाल सेव कर लो, इसमें अगर लाइन अप आने के बाद एक भी चेंजेस होते हैं तो वही टीम में अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। जिसने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए ठीक है, और जिसने नहीं करा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में मिल जाएगा, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।